Dear students, good morning. Class 12th subject geography. Students, अभी तक हमने भूगोल की पहली पुस्तिका यानी पहला पार्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत तीन अध्याय पूरे कर लिए. अब अगला भाग हमारा यानी पार्ट टू भारत लोग और अर्थव्यवस्था यानी दूसरी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला पाठ आता है यानी भारत की जनसंख्या जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि और संगठन यानी ये है इसके अंतर्गत. जनसंख्या से हमारा अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या उस देश की जनसंख्या कहलाती है और भारत दुनिया में चीन के बाद सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है और भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है. और आमतौर पर यह तर्क भी दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है. अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ के संसाधनों पर उसका प्रभाव पड़ना निश्चित है क्योंकि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा ये वही बात लागू हो जाती है. अतः अगर हमारे पास जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पर संसाधनों को भी हमें बढ़ाना होगा. देश की आय बढ़ानी होगी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा उनकी सुख सुविधाएँ ये सब चीज़ें हमें बढ़ानी होगी. यानी भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती होगी. क्या यह केवल एक क्षेत्र है. क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है. यानी कहने का अभिप्राय कि कुल मिलाकर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तीन ओर समुद्र सीमाएं लगती हैं और एक तरफ हिमालय पर्वत के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं. तो अब हम एक एक करके इसमें जनसंख्या का वितरण जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वृद्धि और उसके संगठन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. धन्यवाद.